आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का चैनल एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कन्या विवाह को लेके ज्योतिषीय गणनाएं कैसे होती हैं और क्या उपाय कर सकते हैं, किन किन कारणों से कन्या के विवाह में देरी हो सकती है। इन सभी चीज़ों पे आज के इस वीडियो में हम प्रकाश डालेंगे। कन्या का विवाह परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन होता है। लड़की की शादी हिंदू परिवारों में पुण्य का कार्य माना जाता है। ये वो आयोजन है जब माता पिता अपने हृदय के टुकड़े को किसी और परिवार को सौंपते हैं। ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवसर होता है, इसीलिए परिवार वाले अपने लाडली की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हर माता पिता इस पुण्यशाली अवसर की प्रतीक्षा करते हैं, परंतु कभी कभी कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण लड़की की शादी में देरी भी होती है। सभी गुण होने के बावजूद भी कन्या के विवाह में देरी होती है, सही लड़का नहीं मिल पाता। कभी कभी तो लड़की का विवाह परिवार में बहुत गंभीर विषय भी बन जाता है। कन्या के जन्म कुंडली से उसके पति, ससुराल, भावी जीवन के विषय में पता लगाया जा सकता है। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से कुंडली के 12 भाव बहुत कुछ बताते हैं, जैसे कि सप्तम भाव से पति के बारे में पता चल सकता है, चौथे घर से उनके जीवन में सुख के बारे में पता चल सकता है, पति के भाग्य का भी पता चल सकता है, होने वाले पति की आर्थिक स्थिति का भी पता चल सकता है। तो इस प्रकार अनेक चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं कन्या के कुंडली से। आइए सबसे पहले जानते हैं कि कैसे पता लगता है कि पति कैसा होगा। तो अगर कुंडली के सप्तम भाव शुभ ग्रहों से प्रभावित हों तो कन्या को बहुत ही अच्छा वर प्राप्त होता है, मनपसंद पति की प्राप्ति होती है। वहीं अगर सप्तम भाव कमजोर हो, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तो बेमेल विवाह का प्रतिनिधित्व करता है, विवाह के बाद भी असंतोष दिखता है। एक और बात का ध्यान रखना है कि अगर सप्तमेश भी शुभ हो और शुभ ग्रहों से देखा जा रहा हो और शक्तिशाली हो, तो फिर इसमें कोई शक नहीं कि पति बहुत ही अच्छा मिलेगा, संपन्न मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कन्या का विवाह कब होगा, ये प्रश्न भी उठता है। तो इसको देखने के लिए लड़की की लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और नवमांश कुंडली का अध्ययन गहराई से किया जाता है, तो भविष्यवाणी ठीक ठीक हो पाती है। ऐसा देखा गया है कि चंद्र कुंडली के सप्तमेश की दशा में विवाह होने के योग बनते हैं, या फिर लग्न कुंडली या नवमांश कुंडली के सप्तमेश की दशा में भी शादी के योग बनते हैं। परंतु कौन सी कुंडली के हिसाब से भविष्यवाणी सही बैठेगी, ये निर्णय के लिए ग्रहों के बल का अध्ययन भी करना जरूरी होता है। बली ग्रह की दशा में ही कार्य संपन्न होता देखा गया है। पति का कामकाज कैसा होगा, ये प्रश्न भी कई बार उठता है। तो अगर कन्या के कुंडली का चतुर्थ स्थान का स्वामी शुभ ग्रहों के साथ हो, शक्तिशाली हो, या फिर चतुर्थ स्थान में शुभ और शक्तिशाली ग्रह बैठे हों, तो निश्चित ही पति धनवान होगा, बहुत अच्छे व्यापार में होगा या फिर बहुत अच्छी नौकरी करता होगा। कन्या को जीवन में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होगी। कन्या का पति का स्वास्थ्य कैसा होगा, अगर लड़की के कुंडली का द्वितीय भाव और सप्तम भाव शुभ हो, शक्तिशाली हो, साथ ही अगर द्वितीय भाव का स्वामी भी शुभ हो और शक्तिशाली हो, तो कन्या का पति स्वस्थ शरीर वाला होगा, अच्छे आत्मबल वाला होगा और तेज बुद्धि वाला भी होगा। आइए जानते हैं कुंडली में कौन से योग कन्या के विवाह में देरी करा सकते हैं। भारतीय ज्योतिष में या वैदिक ज्योतिष में बहुत से योगों का वर्णन मिलता है जिसके कारण कन्या के विवाह में देरी होती है, जैसे कि मंगल दोष। ये एक बहुत ही सामान्य कारण है जिसके कारण कन्या के विवाह में देरी
हो सकती है। इस योग के कारण साथी के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इसी के कारण एक मांगलिक कन्या के लिए मांगलिक वर ही ढूंढा जाता है और इसी कारण विवाह में देरी भी होती है। यहाँ ये जानना भी आवश्यक है कि मंगल खराब हो हमेशा ये जरूरी नहीं है। अतः कुंडली का बारीकी से अध्ययन करना जरूरी होता है। कई बार अनजाने में हम अच्छा रिश्ता भी छोड़ देते हैं। अतः एक योग्य और अनुभवी ज्योतिष से ही हमेशा सलाह लें। विवाह स्थान पर दूषित ग्रहों के प्रभाव के कारण भी विवाह में देरी होती देखी गई है। इसके कारण कन्या का विवाह टलता जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जिनके कुंडली में विवाह स्थान खराब है, उनके विवाह के बाद भी कन्या बहुत परेशान रहती है। अतः ऐसे में ग्रह शांति पूजाएं समय समय पर करवाना जरूरी होता है। तीसरा कारण है ग्रहण योग। ये भी अति महत्वपूर्ण योग है। अगर कुंडली में ग्रहण योग हो तो कन्या को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और विवाह के बाद भी जीवन सुखी नहीं हो पाता है। अतः ऐसे में विवाह से पहले शांति पूजा आवश्यक रहती है और उसके बाद भी समय समय पर कुछ उपाय करने आवश्यक रहते हैं। चौथा कारण है काल सर्प योग। कुंडली में काल सर्प योग के कारण भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः शांति पूजा जरूरी होती है। काल सर्प के लिए अंगूठी भी बनती है और यंत्र भी बनता है जिसे रख के पूजन करके इस दोष को या इस योग के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। पांचवा योग है विष दोष। कुछ लड़कियों के कुंडलियों में विष योग पाया जाता है जिसके कारण भी बहुत समस्या आती है। शादी में सही गुण वाला वर नहीं मिल पाता है और विवाह के बाद भी काफी परेशानियों का सामना कन्या को करना पड़ता है। गलत रत्न धारण करना भी एक कारण देखा गया है। एनालिसिस के दौरान कई बार ऐसी कन्याओं में हमने पाया है कि उन्होंने गलत रत्न धारण किया जिसके कारण भी उनके विवाह में विलंब हुआ। उस रत्न को निकालने के कुछ ही समय बाद उनके विवाह के योग बन गए। कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि बिना परामर्श के गलत उपवास या गलत व्रत कन्याएं करने लग जाती हैं जिसके कारण भी उन्हें जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक कारण पितृदोष भी देखा गया है। कुंडली में जब पितृदोष होता है ऐसे में भी विवाह समस्याएं पैदा होती है। विवाह में देरी होती है या फिर रिश्ते बार बार टूटने लगते हैं। ऐसे में पितृ शांति की पूजा पितरों का आशीर्वाद लेना बहुत आवश्यक होता है। तो ऐसे बहुत सारे योग रहते हैं जिसके कारण भी कन्या के विवाह में बहुत देरी होती देखी जाती है और कुछ कन्याएं तो बिना विवाह के ही पूरा जीवन बिता देती हैं। आइए अब जानते हैं कि कन्या की शादी की रुकावटों को दूर करने के लिए कौन-कौन से उपाय कर सकते हैं। तो अगर लड़की के विवाह में देरी हो रही है या फिर मनमाफिक वर नहीं मिल पा रहा हो तो ऐसे में निराश होने की आवश्यकता नहीं। ज्योतिष को कुंडली दिखवा के सटीक उपाय आप करवा सकते हैं और कुछ उपाय यहाँ भी दिए जा रहे हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें और उपवास भी करें। साथ ही केले के पेड़ की 7 परिक्रमा करें और शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें। किसी लड़की की शादी में गुप्त दान करें और उसके अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना करें। किसी भी हालत में इस गुप्त दान का पता किसी को भी ना चलने दें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की साथ में पूजा करें या फिर शिव और पार्वती जी की साथ में पूजन करें या फिर राधा कृष्ण की साथ में पूजा करें। इससे भी विवाह शीघ्र होने में मदद मिलती है। कुंडली में जिस ग्रह के कारण बाधा आ रही हो उस ग्रह की शांति पूजा उस ग्रह से संबंधित दान अवश्य करना चाहिए या करवाना चाहिए।
शनिवार को पीपल के पेड़ में दीपक लगा के भोग अर्पित करके उसकी 8 परिक्रमा करें और विवाह के लिए प्रार्थना करें। इससे भी बहुत लाभ आपको मिलेगा। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि कन्या के विवाह में देरी किन कारणों से हो सकती है, क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं, और कुंडली में ऐसे कौन से खराब योग हैं जिनके कारण विवाह में देरी हो सकती है। तो अगर आपके यहाँ भी या आपकी विवाह में समस्या आ रही है, काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, बार बार विवाह होने की बात होती है और टूट जाती है, रिश्ते टूट रहे हैं, डिजर्विंग पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में आपको अपनी कुंडली अवश्य दिखानी चाहिए और सही उपाय प्राप्त करके अपने जीवन को सुखी करना चाहिए। इसकी पूरी डिटेल्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाएं। चैनल में नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।